नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज स्टोरी को। आइए देखते हैं आज कोरोना नामक बीमारी के कारण आशंकित है देश में। इसका आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। संचार के साधन टीवी एवं सोशल मीडिया, रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सामूहिक रूप से किसी भी जगह ना जाएं, बीमार व्यक्ति से 1 या 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव है। हम सतर्क रहें, औरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। इस बीमारी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, जिसका देश के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। देश के प्रमुख शहरों में सड़कें सुनसान रहीं, कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकला और शाम 5 बजे सभी देशवासियों ने घंटी, तालियां, शंख, थाली आदि बजाकर देश के वीर योद्धा जो इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस आदि, उनका धन्यवाद किया। इस बंद की कुछ तस्वीरें मिलक से हमारे संवाददाता विकास वशिष्ठ ने भेजी हैं और कुछ लोगों से इस बीमारी के बारे में बात भी की है। आइए देखें। रुक जाएगा साहब, रुक जाएगा।
जाओ। भाई तुम आगे लाइट में क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रदीप महारस्तोगी। क्या करते हैं आप? मेरी सराफे की शॉप है सावरिया ज्वेलर्स के नाम से, और मैं श्री रामदूत बालाजी सेवा समिति का सचिव भी हूँ। भाई कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का पूरे देश में आयोजन किया है जी, और उसको लागू किया है। देशवासियों ने भरपूर साथ दिया है जी, जी। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेल, बस सेवा, सभी चीज लॉकडाउन थी जी। क्यों करा गया है आपकी निगाह में? ये जो कोरोना वायरस जो इस समय फैला हुआ है, इसका प्रकोप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखा जा रहा है, उसके संदर्भ में ये जो है बंद किया गया था। और मेरा कहना यह है कि पूरा भारत, यानी संपूर्ण भारत पूर्ण तरीके से जो है बंद रहा। उन्होंने उत्साहवर्धन करने के लिए लोगों ने शाम 5 बजे के टाइम किसी ने थाली, किसी ने शंखनाद करके डमरू बजा के इस तरीके से हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया देश हित के लिए, जो इस तरीके जो संक्रमण रोग जो फैल रहा है, जो आगे ना बढ़े, उसके लिए हम सबको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी कदम उठाना चाहिए, जिससे कि जो इस तरीके की बीमारी, जो महामारी हमारे भारत में ना फैले। और मेरा एक ही कहना है कि जितने भी मिलक या अथवा पूरे देश के जो वासी हैं, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो सम्माननीय श्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना प्रयास किया है देश हित के लिए, मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग मिलजुल कर इसका समर्थन करें और देश हित में सहयोग दें।
क्या नाम है भैया? सुरेंद्र पाल सिंह। क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े का काम? जी भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जी ये क्यों लगाया गया? क्या जानते हैं? कोरोना से जो बीमारी है, वायरस है जी, उससे बचाने के लिए, और इससे बहुत फायदा होगा, लोग घरों से नहीं निकलेंगे जी। तो इसके जो चक्र है जो लगातार बढ़ रहा है वो टूटेगा, लोग संपर्क में नहीं आएंगे एक दूसरे के, तो नहीं जाएगा वो बड़ा। क्यों मतलब ऐसा कहते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ ज्यादा लोग हों वहाँ नहीं जाना चाहिए? हाँ, वहाँ जाने से, क्योंकि वायरस एक दूसरे में फैलता है ना बहुत तेजी से जी, तो एक दूसरे के पास जाएंगे तो मिलेंगे तो उससे एक दूसरे में डाइवर्ट हो जाएगा। क्या नाम है भैया? घनश्याम गोस्वामी। क्या काम करते हो? मोबाइल का शोरूम है। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता कर्फ्यू का आयोजन किया है कोरोना वायरस को लेकर जी, जो आज है जी, लगाया गया। क्यों लगाया गया? ताकि देश सुरक्षित रहे, लोग कोरोना वायरस से दूर रहें, अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। कोरोना वायरस 12 घंटे में जो निर्जीव वस्तुएं हैं 12 घंटे के अंदर उनमें रहता है तो खत्म हो जाता है। लोग घर में रहेंगे, बाहर की चीज को टच नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस उनके अंदर फैलने की क्षमता कम रहेगी, जिससे लोग सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। कितने घंटे का समय बताया आपने? 12 घंटे का। 12 से 14 घंटे? 12 से 14 घंटे का जी। क्या नाम है आपका? पहले नाम पूछिए। दयालु शरण शर्मा जी, प्रधानाचार्य जी। आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया गया कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है इसको लेकर क्या सोचना है आपका इसके बारे में? प्रधानमंत्री पूरे देश को अपने एक परिवार की तरह ले रहे हैं जी, और वो ये जानते हैं और विज्ञान आधारित ये सत्य है कि कोरोना का जो वायरस है वह अधिकतम 12 घंटे जीवित रहता है जी। अगर कहीं कोई जगह प्रभावित है तो 12 घंटे जीवित रहता है। प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर्फ्यू का मतलब है कि 14 घंटे तक कोई किसी के संपर्क में नहीं रहेगा। तो अगर कहीं कोरोना वायरस स्थापित हो गया है तो वो अपनी मौत मर जाएगा। अतः देश हित में प्रधानमंत्री मोदी का जो आह्वान है ये सराहनीय है और इसका प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन से पालन करना चाहिए। हाँ भैया जी, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया जो कि महामारी आज हमारे देश में फैल रही है धीरे धीरे और एक विकराल रूप धारण कर सकती है, तो ये जनता कर्फ्यू क्यों लगाया गया आपकी निगाह में क्या है? ये जनता कर्फ्यू हम सब पूरे देशवासियों के लिए लगाया गया है, इस देश के लिए, इस बच्चे के लिए। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने ये एक ऐसा कदम उठाया है विश्व में शायद कभी कोई उठा सके जी। ये पूरा देश बंद, बसें बंद, ट्रेनें बंद, एक एक दुकान बंद, एक एक मोहल्ला बंद, एक एक गांव बंद, इतना देश के प्रधानमंत्री की जिंदगी में, हमारी लाइफ में, मेरे 50 साल की उम्र होने जा रही है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कभी नहीं देखा है, ना देख पाए शायद ऐसा प्रधानमंत्री शायद हमारे देश में है, साथ में है। हमें बहुत गर्व होता है अपने प्रधानमंत्री पे। अब ये चालीस में प्रधानमंत्री। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है। भैया आज जनता कर्फ्यू लगाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा जी, तो ये क्यों लगाया गया आपकी निगाह में, क्या इसके फायदे हैं? एक्चुअली जो वायरस की उम्र है वो 8 से 12 घंटे है, तो अगर हम ये 14 घंटे का जनता कर्फ्यू कर लेंगे तो ये वायरस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और शाम को जो 5 बजे घंटी बजाना का महत्व है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है इसका कि अगर एक साथ पूरे इंडिया में अगर घंटी बजाई जाएंगी तो जितने भी तरह के वायरस है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रताप सक्सेना, विश्वेंदु प्रसाद का एक कार्यकर्ता हूँ मैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज के दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए ये जनता कर्फ्यू जो लगाया गया है ये बहुत ही सफल रहा, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। ये समझिए हर एक व्यक्ति ने इनका सम्मान करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद किए, और सबसे बड़ी बात यही देखिए पूर्ण रूप से ये आह्वान उनका सफल रहा, और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को शायद भविष्य में कभी मिले। क्यों लगाया गया? देखिए ये जनता के हित में लगाया गया है। कोरोना जो वायरस हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है, इससे जनजन की रक्षा हो इसको दृष्टि में रखते हुए ये बहुत ही अच्छा कदम है मोदी जी का।
अच्छा, ये कहाँ तक कारगर रहेगा आपकी निगाह में? ये 100% कारगर रहेगा यदि जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग करे, जनता का भी दायित्व बनता है सहयोग करे। बोलो, देश के प्रधानमंत्री ने जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, उसमें आज हमारे मिलक क्षेत्र में कर्फ्यू पूरी तरह सफल दिया, जनता ने खूब सहयोग किया, प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा और हमारी नगर पालिका परिषद मिलक ने कीटनाशकों का छिड़काव करा, सारे कर्मचारी मुस्तैद रहे और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और शासन प्रशासन का भी सहयोग जनता के लिए रहेगा। जनता से ये अपील है कि अपने घरों में ज़्यादातर रहें, इधर उधर ना जाएं कहीं, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, दूर रखें, हाथ धोते रहें बार बार, और जो भी बचाव ही इसमें इलाज है। जी, क्या नाम है आपका? मैं छोटे कन्हैया सिंह जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज जनता कर्फ्यू लगाया गया पूरे देश में जी। क्यों लगाया गया है, ये दूरगामी क्या परिणाम होंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है, एक तरह से कह लीजिए कि ये स्कीम है, इससे जो है आपसी जो है जनसंपर्क जो है लोगों का जो है कम होगा, इससे कोरोना वायरस को रोकने में प्रभावी कार्य जो है करेगा, और ये आज ही नहीं ये बहुत दूरगामी होगा। जितना हम हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या अगर इस तरह का हम काम नहीं करेंगे तो हाहाकार यहाँ बच जाएगा, इसलिए ये जनता कर्फ्यू है और निकट भविष्य में भी हो सकता है कि जनता कर्फ्यू स्वयं को लोगों को करना पड़ेगा, तब हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। जी, आपके द्वारा नगर पालिका के माध्यम से इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए? आज सुबह हमने एक बड़ी टीम बनाई है, करीबन 25 लोगों की टीम हमारी बनी हुई है जी। और उस टीम में जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है छिड़काव हो रहा है और साथ साथ जो है क्लोरीन से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे जो है जो सार्वजनिक जगह है, जैसे तहसील है जहां लोग भीड़ भाड़ आते थे, बैंक है, चिकित्सालय है, थाना है, फिर मोहल्लों में भी हम जाकर के घरों पे जहाँ पे हाथ वगैरह लगते हैं उनको सैनिटाइज हम लोगों ने करा है और ये अभी 11 बजे तक काम चला है, सुबह 7 बजे से पुनः जो है डेढ़ से 2 बजे के बाद जो है काम जो है शुरू होगा और ये लगातार चलता रहेगा, जिससे जो है मिलक को इस तरह से हमको सैनिटाइज कर देना है कि कोरोना से हम मजबूती से जो है लड़ सकें। तो पूरा मिलक आपने कंप्लीट कर लिया या अभी रह गया? अभी नहीं, अभी हमारी जो है यहाँ टीम काम कर रही है, खाता नगरिया काम कर रही है और रौरे करा में भी काम कर रही है, अभी हम शाम तक इसको सैनिटाइज कर पाएंगे मिलक को। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेम शंकर पांडे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया है जी। क्यों किया गया है आपके निगाह में? जनता की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की, एक एक भारत के नागरिक सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस उसके पास तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए ये माननीय मोदी जी ने ये आह्वान किया है, जनता से आग्रह किया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में रहें और भारत सुरक्षित रहेगा। कितनी अवधि इसकी, लगभग कितनी अवधि होती है, इस बारे में कुछ बात चल रही है? जो वायरस घंटे की अवधि होती है लगभग इसकी, अलग अलग चीजों पे अलग अलग समय का उसमें दिया हुआ है जी। कि वायरस कहीं 22 घंटे भी रहेगा, कहीं 24 घंटे भी रहेगा, कहीं 36 घंटे भी रहेगा, कहीं 8 घंटे भी रहेगा, तो इसलिए जनता इसमें सहयोग करेगी तो ये वायरस खत्म होगा और भारत जीतेगा और वायरस खत्म होगा। सर, आपके द्वारा पार्टी के द्वारा ऊपर से निर्देश दिया गया होगा, आप अपने क्षेत्र में लोगों को ये निर्देशित कीजिए, ये समझाइए, इस तरफ से कोई निर्देश है आपके लिए, आप लोगों के लिए ऊपर से? नहीं, तो हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह जागरूकता पैदा करे, लोगों को जागरूक करे, जिस माध्यम से भी, वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है और सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इसको कर रहे हैं, आम जनता इसमें लगी हुई है और हर व्यक्ति आज जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कृत संकल्प लिए बैठा हुआ है जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है बबलू पांडे जी, ग्राम प्रधान बरा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन जनता कर्फ्यू का आयोजन किया है पूरे देश में
जी जी हम लोग उसका कोरोना वायरस को लेकर जी जी हम लोग उसका पालन कर रहे हैं और मोदी जी ने जो कहा है वो सबके लिए कहा है। 12 से 14 घंटे के लिए घर में सावधानी बरतें, घर के बाहर नहीं निकले। हम लोग उनकी बातों का पालन कर रहे हैं। कितनी अवधि होती है इसकी? 14 घंटे करीब। 14 घंटे होती है? 12 से 14 घंटे। तो 12 से 14 घंटे अगर सभी लोग अपने अपने घरों में रहेंगे जी, जी क्या फायदा मिलेगा? तभी हम इस कोरोना से मुक्ति पाएंगे। हम लोग सब घरों में रहेंगे तभी इसको भगाएंगे। इस बीमारी से बड़ी सावधानी से बर्ताव करना है। बोलिए और मैं सब लोगों से, देशवासियों से ये अपील करता हूँ, सब अपने अपने घरों के अंदर रहें और मोदी जी ने जो कहा है उसे ईमानदारी से उसका निर्वहन करें। और मेरी यही सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, सब अपने अपने घरों में अंदर रहें।